नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज मैं रेसिपी लेके हूँ कच्चे आम पुदीने का शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और ये इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है गर्मियों में, तो इसे ज़रूर बनाना चाहिए, पीना चाहिए। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 कच्चे कैरी लिए हैं। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल कच्ची कैरी है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छे से धो के साफ कर लेना है ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। और इसके बाद में क्या करना है, ऊपर का हल्का हल्का हिस्सा निकाल देंगे। इससे क्या होगा, छिलके अपने आप अलग हो जाएंगे जब हम उबालेंगे। अगर आप नहीं हटाना चाहते इस तरह तो ना हटाएं, कोई ज़रूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है। और मैंने कुकर में डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा पानी डाला, ज़्यादा पानी नहीं डाला, हल्का सा पानी डाला है। और ढक्कन लगा के गैस के ऊपर फिर रख देना है, फिर उबलने देंगे। तो मैंने ये रख दिया है। 1 सीटी के बाद में थोड़ा गैस कम कर दूँगी। इसके बाद में पुदीना लिया है तो पुदीने को साफ़ कर लूँगी। पत्तियाँ जो है पुदीने की इस तरह मैंने अलग कर ली है, ये पुदीना इस तरह तैयार कर लिया है। तो अभी मैंने गैस की आंच को बंद कर दिया है। और जो पुदीना है इसे भी अच्छे से 2 से 3 पानी धो के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पुदीने में मिट्टी वगैरह काफ़ी आती है, तो 2 से 3 पानी धोना ज़रूरी है। अच्छे से इस तरह मैंने पानी से धो के तैयार कर लिया पुदीने को। और इसके बाद में एक छलनी में डाल दिया है, ये देखिए इस तरह तैयार कर लिया है। तो इसे मैं साइड में रख दूँगी और चलिए कैरी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए कैरी भी उबल गई है, तो जो छिलके हैं वो अपने आप ही अलग हो गए हैं, ये देखिए। तो इस तरह आराम से हम बाहर निकाल लेंगे छिलकों के। ये देखिए ये छिलके मैं अलग बर्तन में निकाल रही हूँ, तो जो जो छिलके हैं उनको अलग इस तरह बर्तन में निकाल लेना है। तो इस तरह छिलके निकालने के बाद में जो छिलके हैं उसमें भी कुछ हिस्सा रह जाता है कैरी का, तो हल्का सा पानी डाल के और फिर छान लेना है ताकि जो भी कैरी का रस है वो आ जाए और छिलके के साथ में नहीं जाए। तो इस तरह छान के फिर जो छिलके हैं उनको हम फेंक देंगे अलग करके। तो इस तरह हल्का सा दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। और ये छिलकों को मैंने अलग करके और एक बर्तन में निकाल दिया है। और बाकी जो पीछे ऊपर से कुकर में कैरी रह गई है उसको भी हम छलनी में डाल लेंगे। और फिर बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ही फिर हमें शरबत बनाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो बिल्कुल हल्का हल्का पानी डालते हुए और इस तरह छान लेना है, जो भी कैरी का रस है वो इस तरह छान के तैयार कर लेना है। तो ध्यान यही रखना है यहाँ पे कि पानी की मात्रा आप थोड़ा कम रखें, ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा डालेंगे तो उतना ही शरबत बनाने में समय ज़्यादा आ जाता है। तो बिल्कुल मैंने हल्का हल्का पानी डालते हुए इस तरह कैरी का जो रस है पूरा निकाल लिया है। तो एक पैन में मैंने जीरा डाला है, और जीरा कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि जीरे को हमें भून के तैयार करना है। तो जितना आपको जीरा डालना है उतना आप ले सकते हैं। और फिर थोड़ा लगातार चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से भून जाए। आँच आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जीरा मैंने भून लिया है और भुनने के बाद में एक जार में डाल लिया है। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद में पीस लेंगे और इसका जो पाउडर है जीरे का तैयार कर लेंगे। और ये जीरे का पाउडर तैयार हो गया है। तो इसे खुला नहीं रखना क्योंकि जीरे की जो खुशबू है वो चली जाती है। तो एक इस तरह के बॉक्स में मैं डाल के रख रही हूँ। और जो पुदीना है वो भी हमारा तैयार है। और इसका मात्रा आपको बता देती हूँ क्योंकि ये अभी ज़्यादा है। तो एक बाउल लिया है, बाउल में आपको माप ध्यान रहे उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। सामान्य कोई भी कटोरी प्याली आप ले सकते हैं, उसे आप माप कर लें ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये एक बाउल डाला है और ये 2, तो इतना पुदीना पर्याप्त है कैरी के साथ में। और बाकी जो बच गया है उसका या तो चटनी बना लें या फिर आप छांव में सुखा दें, धूप में ना सुखाएं, धूप में इसकी खुशबू चली जाती है। और गर्मियों में तो एक दिन में ही ये सूख के तैयार हो जाएगा। दही में या आलू की सब्जी में किसी में भी डाल के आप इसे खा सकते हैं। और जो पुदीना है इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी ताकि ये पीसने में आसानी रहे। अगर आपको कम लग रहा है तो हल्का सा पानी आप और डाल सकते हैं। तो ज़्यादा पानी ना डालें, पानी डालते समय आप थोड़ा ध्यान रखें। और फिर हम पीस लेंगे पुदीने को भी। तो इस तरह पुदीना पीस के तैयार कर लेना है।
तो पुदीना पिस चुका है। इसके बाद में एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, एक बाउल चीनी डाली है, बड़े दाने वाली है, अगर बारीक दाने वाली है तो थोड़ा चीनी की मात्रा ज़्यादा रखें, तो ये डेढ़ बाउल मैंने डाल लिया है यहाँ पे। और मीठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी चीनी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, या कम पसंद है तो आप घटा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि कैरी कभी कभी खट्टी या ज़्यादा ही खट्टी होती है, कभी कम खट्टी होती है, तो उस हिसाब से आप चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद में अभी हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी डालते समय आप ध्यान रखें ज़्यादा पानी ना डालें। मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी लिया है पहले, तो थोड़ा सा इस तरह डाल के चेक कर लूँगी कि कितना पानी और जाएगा। ये देखिए, तो अभी चीनी थोड़ा सा भीगी है, अभी इतना पानी नहीं हुआ ज़्यादा, तो अभी थोड़ा पानी और डाल लेंगे। तो पानी ज़्यादा डालेंगे तो शरबत बनाने में उतना ही समय ज़्यादा जाएगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए, तो इतना ही पानी डालना है कि अच्छे से जो चीनी है, हल्का सा चीनी से ऊपर पानी आ जाए। ये देखिए, आपको दिखाऊं, हल्का सा इस तरह पानी ऊपर होना चाहिए, इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद में गैस के ऊपर कढ़ाई को रख देंगे। तो इसके लिए मैंने गैस जला लिया है, कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, और इस तरह बराबर लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए। तो चीनी घुलना शुरू हो गया, तो मैं बीच में गैस को थोड़ा कम कर रही हूँ आँच को, और फिर थोड़ा सा और चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छे से चाशनी जो है हमारी तैयार हो। तार वाली चाशनी हमें तैयार नहीं हो करनी, हल्की सी जब ऐसा लगे कि चिपचिपी चाशनी हो गई है तब हमें उतना ही पकाना है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये देखिए, मैं लगातार चला रही हूँ और इस तरह की चाशनी तैयार हो गई। ये देखिए, तो इस तरह की चाशनी मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए, तो इसमें तार बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ये देखिए, आपको दिखा दूँ, तो पतली ही चाशनी रखनी है, बिल्कुल पतली भी नहीं रखनी, जैसे रसगुल्ले और गुलाब जामुन चाशनी होती है, चिपचिपापन होता है, उतना ही हमें इसमें रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। और एक बात और कि आँच आप कम रखें, इससे ज़्यादा फुल रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो और मैंने कम कर दिया आँच को बिल्कुल लास्ट में। और इसके बाद में जो हमने कैरी का रस बना के रखा है कच्चे आम का, वो इसमें डाल देना, हल्का सा डाल के थोड़ा घुमा देंगे चाशनी के साथ में, इस तरह घुमा दिया है, फिर बाकी का भी सारा इसमें हम डाल देंगे। तो ये सारा रस जो है कैरी का मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। तो कैरी का जो रस है वो अच्छे से मैं डाल के चीनी के साथ में मिला दिया है, पीछे हल्का सा रह गया बर्तन में, वो भी मैं डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया है बिल्कुल अच्छे से, और जो पुदीना हमने पीस के रखा है उसे भी हम छान के और फिर डाल देंगे। इस तरह मैंने छान लिया है, कढ़ाई में साथ में ही डाल देना है। तो अलग से इसमें मैं फ्रूट कलर कोई नहीं डाल रही, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालने तो और अच्छा है, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें फ्रूट कलर बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि फ्रूट कलर जो है नुकसान होता है, और मार्केट से तो हमें ला के खाने की मजबूरी होती है, तो घर में जहाँ तक हो सके नहीं डालना चाहिए। तो ये मैंने पुदीना अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से और फिर डाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी पुदीने का जो कस है वो नहीं रहना चाहिए जार में, और डाल के इस तरह फिर कढ़ाई में अच्छे से फिर पकाएंगे, कम से कम 20-25 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी मैंने आँच को फुल कर लिया है, हल्का सा उबाला आ जाएगा तब हम गैस की आँच को कम करेंगे, क्योंकि फिर फुल आँच पर ये कढ़ाई से बाहर आ जाएगा, ढक्कन भी इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि फिर ये बाहर आ जाएगा कढ़ाई से। अगर बड़ी कढ़ाई है तो नहीं आएगा, छोटी कढ़ाई है मेरे तो इसमें बाहर आने का खतरा है, तो मैं आँच को थोड़ा सा कम कर दूँगी उबाल आने के बाद में। तो ये मैंने आँच को कम कर दिया है हल्का सा, और इसके बाद में 20 से 25 मिनट अच्छे से पकाएंगे, बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे और बाकी वैसे ही पकने देंगे, ताकि जो कच्चापन है पुदीने का वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर शरबत बना रहे हैं ताकि ये ख़राब नहीं हो जल्दी। तो जितना अच्छे से हम पकाएँगे उतना ही फिर ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं लगभग। तो 15 मिनट पकने के बाद में अभी इसमें भुना हुआ मैं जीरा डालूंगी, तो आँच को थोड़ा सा मैंने कम किया है और फिर यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा डाल रही हूँ। ये देखिए, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। भुने हुए जीरे की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी हो जाती है, जो महक होती है जीरे की, और इसमें जीरा अच्छे से फिर मिला देना है। तो इस तरह 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, और आँच को मैंने और ज़्यादा कम कर दिया है,
और फिर लास्ट में क्या करें, काला नमक डालेंगे। इससे क्या हो, इसका शरबत का टेस्ट भी बढ़ जाता है और ख़राब भी नहीं होता। नमक इसीलिए डाला जाता है क्योंकि हम कोई केमिकल वगैरह यहाँ पे नहीं डाल रहे, कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे। तो एक चम्मच डाला है, हल्का सा नमक सफ़ेद वाला डाला है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें यहाँ पर शरबत बनाना है, सब्ज़ी नहीं बनानी, तो हल्का सा ही डाला है। और इसके अलावा और कोई मसाला, काली मिर्ची पाउडर कुछ भी मैंने नहीं डाला है। ढक्कन लगा के रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा होने देंगे। और 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये अच्छा ठंडा हो गया है। इसके बाद में वापस एक बार मैंने छान लिया है इस तरह छान के, ताकि कोई भी इसमें कैरी का जो भी कण वगैरह है वो नहीं रहे। और एक बार वापस इस तरह फिल्टर कर लेना है। तो ये मैंने छान लिया है अच्छे से, ये देखिए तो अच्छे से छन गए हैं। तो ये मैंने अच्छे से छान लिया है और छान से समय इस बार बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, क्योंकि अगर ठंडा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये हमने शरबत तैयार किया है। और जो भी बर्नी या बोतल नहीं बिल्कुल सूखी लें, तो मैंने जार को अच्छे से सुखा लिया है, फिर ये शरबत इसमें डाला है। और फ्रिज में 1 हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी बोतल में जार में रख के आप अच्छे से फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। और 1 गिलास में मैंने बर्फ़ डाल लिया है। बर्फ़ डालने के बाद में फिर गिलास में इस तरह शरबत को डाल लिया है, फिर ऊपर से ठंडा पानी डाल लिया है, ये देखिए। और ये पानी डालने के बाद में फिर थोड़ा सा इसे चम्मच से घुमा देंगे, ताकि जो शरबत है वो नीचे गिलास में ना रहे, तो हल्का सा चम्मच से घुमा देना है। तो ये हल्का सा मैंने इस तरह घुमा दिया, ये देखिए। तो इस तरह हल्का घुमाने के बाद में अभी ऊपर से हल्का सा हम भुना हुआ जीरा डाल देंगे, और इसके बाद में सूखा पुदीना भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, या फिर आप ताज़ा पुदीना भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो ये हमारा पुदीना और कच्ची कैरी का शरबत तैयार हो गया है। गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो आप ज़रूर बनाएँ, पिएँ और हमें ज़रूर बताएँ आपको ये शरबत कैसा लगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।